शनिवार सुबह 3 बजे का वक्त, जब जयपुर दिल्ली हाईवे पर हुआ एक हादसा जिसने आसपास और देखने वालों के होश उड़ा दिए। नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं राहुल आपके साथ। दरअसल शनिवार सुबह 3 बजे जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे 2 ट्रेलर आमने सामने टकरा गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको बहरोड के पार्क हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तेज धमाके के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ट्रेलरों के कैबिन में फंसे चालक और खलासी को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही साथ मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई, जहां मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के द्वारा क्रेन बुलाकर दोनों ट्रेलरों को एक साइड करवाया गया, जिससे हाईवे पर लगे जाम को सुचारू रूप से चालू किया जा सका। मौके पर मौजूद एक बुजुर्ग ने बताया कि दिल्ली से जयपुर जा रहे ट्रेलर का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो डिवाइडर पार कर दूसरी साइड जा रहे ट्रेलर से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे में दोनों ट्रेलरों के चालक और खलासी के बारे में पता नहीं चल पाया है कि वो कहां के हैं। जिसने भी यह हादसा देखा उसकी रूह कांप गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।